हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साकिब मेडिसिन। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त साकिब अली आज आपके लिए एक और मेडिसिन लेकर आया हूं जिसे हम जानते हैं कैरी पिल सिरप के नाम से। दोस्तों, मैं आपको इस सिरप की सारी जानकारी दूंगा तो आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊँगा इसे कौन सी कंपनी बनाती है, इसके बेसिक क्या है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन है, जानेंगे इसके बेनिफिट के बारे में, इसे लेने का सही तरीका है, इसे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और जानेंगे इसे लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक देखें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों, कैरी पिल सिरप को जो कंपनी बनाती है वो है माइक्रो लैब्स लिमिटेड। दोस्तों, इसकी बेसिक बातें जाने तो ये 150 ml का सिरप होता है जिसकी MRP 422 रुपये होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि अंदर क्या इंग्रेडिएंट है। तो दोस्तों, ये पपाया लीफ होती है, पपाया लीफ मतलब पपीते के पत्ते से बना हुआ है। दोस्तों, अब जानते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस सिरप को हम डेंगू के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती हैं उसमें इसे यूज़ किया जाता है, चाहे वो किसी भी कारण क्यों ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, डेंगू की वजह से प्लेटलेट कम होती है, चिकनगुनिया की वजह से प्लेटलेट कम होती है, टाइफाइड की वजह से प्लेटलेट कम होती है। दोस्तों, कई प्रकार की कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये सिरप 3 से 4 दिन में प्लेटलेट बढ़ा देता है। दोस्तों, ये डेंगू जैसी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा सिरप है। दोस्तों, अब जानते हैं इसे लेना कैसे। तो दोस्तों, 16 साल से ऊपर के लोग इसे 10 ml सुबह शाम दोपहर खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और 15 साल से नीचे के लोग इसे 5 ml सुबह शाम दोपहर खाना खाने के बाद ले सकते हैं। दोस्तों, हम जो आपको जानकारी देते हैं ऐसे नॉलेज के लिए हैं, कृपया करके हमारी वीडियो को देख के किसी भी मेडिसिन का उपयोग ना करें, क्योंकि इसके कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, गर्भवती महिलाएं इसका इस्तेमाल नहीं करें, इसे ओवरडोज में ना लें, और लेने से पहले एक बार इसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कैरी पिल सिरप के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।